गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पांचवें सेमेस्टर का अभिनय का जो पहला पेपर है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नोइंग ड्रामा एज अ परफॉर्मिंग आर्ट। नाटक को एक परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में समझना। इसका यह मतलब हुआ कि परफॉर्मिंग आर्ट ये कोई एक श्रेणी है, तो कला की दो बेसिक श्रेणियां हैं, पहली परफॉर्मिंग आर्ट और दूसरी विजुअल आर्ट या प्लास्टिका। तो इनमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि परफॉर्मिंग आर्ट में जब कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत कर रहा होता है उस समय दर्शक उसे देखते हैं, जैसे नाटक है, नृत्य है, संगीत है। एक्चुअल इनका जब परफॉर्मेंस चल रहा होता है तब इसे दर्शक देखते हैं, मतलब वर्तमान में उसे दर्शक देखते हैं। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा होगा, जिसमें आईएनजी प्रत्यय लगता है, तो परफॉर्मिंग आर्ट में हमेशा जब कला प्रस्तुत हो रही होती है तब दर्शक उसका आस्वाद लेते हैं। तो नाटक भी परफॉर्मिंग आर्ट है। और परफॉर्म्ड आर्ट, प्लास्टिक आर्ट या विजुअल आर्ट्स कौन से हैं? पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये हो गए प्लास्टिक आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स या परफॉर्म्ड आर्ट्स। क्योंकि ये कलाएं जब पूर्ण हो जाती है तब दर्शक उसका आस्वाद लेते हैं, उसे देखते हैं। आपने कभी देखा होगा कोई पेंटर की पेंटिंग पूरी होने के बाद गैलरी में लगती है या बिकती है, लेकिन नाटक ऐसा नहीं होता। नाटक पूरा होने के बाद रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे, ऐसा नहीं होता। तो परफॉर्मिंग आर्ट करके नाटक एक अलग विधा है। अब परफॉर्मिंग आर्ट की विशेषता क्या है और नाटक की विशेषता क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट की विशेषता तो हम लोगों ने देख ली कि वो जब प्रस्तुत हो रही होती है उसी समय दर्शक उसे देखते हैं। और नाटक को एक स्पेशियो टेम्पोरल आर्ट कहा गया है, मतलब वो एक दृक्श्राव्य कला है। दृक्श्राव्य कला यानी वो आंखों से देखी जाती है और कानों से सुनी जाती है। कालिदास ने नाटक को चक्षु और कर्ण इनसे किया हुआ यज्ञ कहा है। अब जब नाटक शुरू होता है और दर्शक देखने के लिए आ जाते हैं तब वो नाटक को एक रियल टाइम में देखते हैं। इसका मतलब मान लो नाटक शाम को 6 बजे शुरू हो गया और वो 2 घंटे का नाटक है, 8 बजे खत्म हो गया, तो 2 घंटे तक मंच पर परफॉर्मेंस हो रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट चल रही है। और नाटक के इस 2 घंटे के रियल टाइम को दर्शकों ने देखा, तो परफॉर्मिंग आर्ट में ये रियल टाइम मायने रखता है कि दर्शक उसे रियल टाइम में देखते हैं। इसके अलावा एक टाइम होता है नाटक में, वो होता है नाटक के भीतर का टाइम। मतलब उदाहरण के लिए महात्मा का इंतजार ये नाटक हम लोगों ने किया, वो 42 के आसपास शुरू होता है और जब खत्म होता है तो सन चल रहा है 1948। तो ये 6 साल ये नाटक के भीतर का टाइम, दर्शक इस टाइम को भी अनुभव करते हैं। मतलब आपका नाटक 1942 में स्टार्ट हुआ, फिर कुछ सीन्स हो सकता है 43 में हो, कुछ 44 में हो, कुछ 46 में हो, तो आप अपने प्रवेशों में उस समय को समेटकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं और दर्शक उस समय के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब 2017 में बैठा हुआ दर्शक जुड़ किस समय से रहा? 1942 से।
इस तरह नाटक के भीतर का जो एक टाइम है उसके साथ भी परफॉर्मिंग आर्ट में दर्शक जुड़ता है। तीसरी परफॉर्मिंग आर्ट की महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शकों को परफॉर्मिंग आर्ट नाटक ये विश्वास दिलाता है कि ये जो आप लोगों ने दिया देखा ये दरअसल सत्य नहीं है, रियलिटी नहीं है, यथार्थ नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये यथार्थ का आभास है। इट्स द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इस इल्यूजन ऑफ रियलिटी पे, इस यथार्थ के आभास पर दर्शकों को यथार्थ जैसा विश्वास स्थापित करना दर्शकों का, ये नाटक का परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में तीसरा काम है। दर्शकों को जब परफॉर्मेंस चल रहा होता है उस समय बांध के रखना, वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नहीं होने चाहिए, वहां से कट जाने चाहिए, और इसका ख्याल नाटक एज ए परफॉर्मिंग आर्ट रखता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि वो स्पेशियो टेम्पोरल आर्ट है, यानी इसमें एक स्पेस है, नाटक की अपनी एक स्पेस है जिसे हम रंगमंच कहते हैं, वो मान लो 35 फुट बाय 25 फुट का आपके पास है तो वो एक स्पेस होगी। लेकिन इस स्पेस में हम एक और नाट्यांतर्गत स्पेस क्रिएट करते हैं, वो मान लो वो मालगुड़ी का कोई गांव है, उस गांव को हम लोग मंच पर क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया, उस स्पेस को हमने नाटक के भीतर जो स्पेस है उसके साथ जोड़ा। तो परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में पहले तो दर्शकों को बाहरी स्पेस से जोड़ना है, यानी नाटक आपका जो अनुभव है उसे एक स्पेस में डिफाइन करके बताता है। इस बात को दर्शकों का अनुमोदन लेना इस बात के लिए। और दूसरा, ये जो स्पेस है ये बदलती रहेगी, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहेगी, नाटक की परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहेगी, और इस स्पेस के साथ दर्शकों को जोड़ना ये भी परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में नाटक का महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके अलावा तीसरी एक स्पेस है जो किरदार की मनोभूमि है, उस मनोभूमि से भी दर्शकों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस जोड़ना, ये नाटक का और एक कार्य है एज अ परफॉर्मिंग आर्ट। तो नाटक इस तरह से एज अ परफॉर्मिंग आर्ट बहुत सारे कार्य करता है। इनको समझना याने नाटक के परफॉर्मिंग आर्ट की क्षमता को समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद।